हे गाइस, मेरा नाम है पंकज और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेक्नो शो में। सो गाइस, आज हम कंपेयर करने वाले हैं JBL Tune 750 को Senheiser HD 200 Pro के साथ। तो चलिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लूटूथ हेडफोन्स के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, नीचे मैंने एक मेरा लिंक दिया हुआ है जहां पे आपको सिर्फ ब्लूटूथ हेडफोन ही नहीं बल्कि दूसरे ब्लूटूथ स्पीकर्स, वायर्ड ईयरफोन्स और भी बहुत सारे ब्लूटूथ प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो इसे आज ही जाकर आप परचेस करें नीचे दिए गए मेरा लिंक से। तो चलिए, इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करो और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर करो। बात करें प्राइस की तो JBL आपको 4499 में मिलता है, वहीं Senheiser आपको 4490 में मिलता है। बात करें कलर वेरिएशन की तो JBL में आपको 3 कलर ऑप्शन मिलता है, दैट इज ब्लैक, ब्लू एंड व्हाइट, वहीं Senheiser में आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर में। कनेक्टिविटी की बात करें तो जहां JBL एक ब्लूटूथ हेडफोन है जिसे आप ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, वहीं Senheiser एक वायर्ड ईयरफोन है जिसे आप सिर्फ और सिर्फ 3.5mm जैक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। JBL में लिथियम आयन बैटरीज लगे हैं जिसे आप अगर 5 मिनट तक चार्ज करते हैं आपको 2 आवर्स का प्ले टाइम मिल जाता है, वहीं फुल चार्जिंग पे आपको 27 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिल जाता है। JBL में आपको हैंड फ्री कॉलिंग फीचर मिलता है विद एक्सेस कंट्रोल ऑन ईयर कप्स, वहीं Senheiser में ये फीचर मिसिंग है। JBL में इनबिल्ट माइक होने की वजह से आपको सीरी एंड गूगल असिस्टेंट फीचर भी मिल जाता है, जहां Senheiser में आपको कनेक्टिविटी के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑक्स जैक मिलता है, वहीं JBL में ब्लूटूथ के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा ऑक्स जैक भी मिलता है कनेक्टिविटी के लिए। बात करें वेट की तो JBL का वेट 220 ग्राम है, वहीं Senheiser का वेट 184 ग्राम है। चलिए बात कर लेते हैं वारंटी की। JBL में जहां आपको 1 ईयर स्टैंडर्ड वारंटी मिलता है, वहीं Senheiser में आपको 2 इयर्स का वारंटी मिल जाता है। सो गाइस, दोनों हेडफोन्स अपने प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड दोनों का ऑडियो क्वालिटी भी एक दूसरे से टक्कर के बराबर है, लेकिन अगर मुझसे आप पर्सनली पूछा जाए तो मेरा फेवरेट यहाँ पे Senheiser है, क्योंकि इसका ऑडियो क्वालिटी JBL से थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है। सो आई होप गाइस आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो, इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, मुझे कमेंट करके बताएं आपको इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेटर लगता है। सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।